हाई रफ यू यू आर वेलकम ऑन दिस चैनल तो आज के इस रैपिड फायर के सेक्शन के अंदर हम ये देखने वाले हैं तीन मिनट के अंदर वॉट इज शेड्यूल कमर्शियल बैंक तो शेड्यूल कमर्शियल देखिए जब जो बैंक है उसको बड़े पैमाने पे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं वन इज कॉल शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसे हम शेड्यूल बैंक भी बोलते हैं सेकेंड इज कॉल नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक जिसे हम नॉन शेड्यूल बैंक भी बोलते हैं वन आर बी आई वॉज स्टैब्लिश थ्रू एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर ऑफ आर बी आई एक्ट उसी

जितने भी आपके इंडिया में सरकारी बैंक हैं जिसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक या नेशलाइज बैंक के नाम से जानते हैं या फॉरेन बैंक है या आर है वो सारे बैंक आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में शामिल हैं लेकिन वो बैंक जो छोटी लेवल की बैंक है कोऑपरेटिव बैंक है लोकल एरिया बैंक है तो वही बैंक आपकी आज के डेट में नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं जिसमें बहुत आ, आर का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है या फिर जहाँ पर सी और एस को रखने की बातें हैं वो एग्जामेड हैं। तो यहां पे अगर हम डिफरेंस देखें कि व्हाट डिफ़रेंस नॉन शेड्यूल शेड्यूल तो पहली डिफ़रेंस तो ये आएगी। एक्ट 1934 शेड्यूल बैंक और व्हिच बैंक और अंडर आरबीआई टू द बैंक एज नॉन कमर्शियल बैंक दूसरी बात यह है कि कमर्शियल बैंक को आरबीआई जो इंटरेस्ट है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है जिसे हम बैंक बैंक रेट रेट या फिर रेपो का नाम कहते हैं नॉन शेड्यूल को ये जो ये जो जो इंटरेस्ट है पैसा आरबीआई से मिलती है इसकी पूरी आजादी नहीं है बहुत रेयर सर्कमस्टांसिस में ही आर इन नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को लोन देती है है ना थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को डेली बेसिस पे एस एल आर और सी एल आर को मेंटेन करना पड़ता है, है, ना? जो के, maintain, के पास होती है और एस एल आर जो बैंक खुद के पास मेंटेन करती है बाय मंथली बेसिस पे तो वो ये करना मतलब सी एल आर इज कम्पल्सरी फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक वेज इट दिस इज नॉट कम्पल्सरी फॉर नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक और जहां तक टाइप्स की बात है तो मैंने पहले ही बताया पब्लिक नेशलाइज आर प्राइवेट फॉरम दीज आर शेड्यूल and some local area cooperative bank these are non-scheduled thank you so much for watching this important video